एवरीवन, आई अगेन वेलकम टू यू ऑल इन द क्लास ऑफ फैसिलिटी विद स्टूडेंट। आज अपन एक न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए मैंने MDSU लिखा है। आपकी यूनिवर्सिटी में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो इसमें आपको ये न्यूमेरिकल मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब जैसे प्रीवियस वीडियो आप कंटिन्यूस वॉच कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैंने एक बात बोली थी कि अपन जैसे जैसे न्यूमेरिकल जिस टॉपिक के होंगे उसको साथ में ही अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं कि भाई हमने कार्डिनल पॉइंट्स पढ़ लिए, ठीक है, और नोडल पॉइंट्स पढ़ लिए तो उसके बाद अपन क्या करें कि भाई आगे जाके उसके न्यूमेरिकल डिस्कस करें, ऐसा अपन नहीं करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। सो हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर बोलो तो लगभग कंप्लीट ही होने वाला है, ठीक है। तो उसका जो हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था कार्डिनल पॉइंट्स, उसमें अपन उसमें से एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, ठीक है। तो उस न्यूमेरिकल को अपन आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट, न्यूमेरिकल आया था कि वायु में रखे एक समान लेंस निकाय में दो लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः F1 F2 है, तो इनके मध्य दूरी 2F है, प्रधान बिंदुओं की स्थितियां ज्ञात करो, ठीक है। डियर स्टूडेंट, वापिस इसको रिपीट करते हैं क्योंकि कभी भी आप न्यूमेरिकल पढ़ो, वो चाहे एग्जामिनेशन में हो चाहे कभी भी हो, उसको एटलीस्ट दो बार जरूर पढ़ो, क्योंकि न्यूमेरिकल में ही लगभग आपको क्या मिल जाता है, आंसर मिल जाता है स्टूडेंट। फर्स्ट न्यूमेरिकल इसलिए बता रहा हूँ, कभी भी कोई भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करो तो पहले ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से कुछ डाटा निकालने की क्या करो, कोशिश करो कि वो कितने डाटा को दे रहा है। कई बार डाटा आपको कोई ज़रूरी नहीं है लिखा हुआ मिलेगा, कई बार डाटा आपको इनडायरेक्टली भी मिल सकता है, जैसे उत्तल लेंस है तो फोकस दूरियाँ कौन सी पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी व्हाटएवर है, जैसे वायु में तो वायु का अपवर्तनांक आपको पता है, तो इस हिसाब से डाटा अपन क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उठाने की न्यूमेरिकल से कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करें तो इसमें दिया है कि वायु में रखे, तो म्यू की वैल्यू तो एक होगी, हालांकि वो यूज़ होगी अलग बात है, नहीं होगी वो अलग बात, ठीक है। वायु में रखे एक समाक्ष लेंस निकाय, लेंस निकाय का मतलब कितने लेंस है डियर स्टूडेंट, दो, ठीक है। समाक्ष है तो मतलब दोनों एक ही एक्सिस पे रखे हुए हैं ना, ठीक है, अर्थात उनकी मुख्य एक्सिस क्या है, कॉमन है, ठीक है। पहली बात, इनकी फोकस दूरियाँ क्रमशः 2F तथा 3F है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेंस L1 है, ठीक है डियर स्टूडेंट, उनकी फोकस दूरी है F1 कितनी है डियर स्टूडेंट, 3F, ठीक है। और जो दूसरा लेंस है उसकी जो फोकस दूरी है L2, जिसको अपन F2 से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू कितनी है कैपिटल F, ठीक है। तथा इन लेंसों के मध्य की दूरी कितनी है, 2F, लेंसों की मध्य की दूरी। इसका मतलब डियर स्टूडेंट, मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ ताकि आप इसको आराम से समझ सको। देखिए स्टूडेंट, दो लेंस है ये न्यूमेरिकल में दे रखा है, ठीक है। देखिए अभी एग्ज़ाम नहीं है, मतलब अभी एग्ज़ाम नहीं चले, तो मैं देख रहा हूँ कि जितना ज़्यादा उसके एक बारी एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको उस न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये यदि हो गया तो आप आगे आराम से, आप कोई इसका कोई चेंज भी न्यूमेरिकल आ गया तो भी आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये बोल रहा है कि एक लेंस है L1, दूसरा लेंस है L2, ठीक है। L1 की जो फोकस दूरी है वो आपको दे दी कितनी, 3F, इसकी फोकस दूरी 3F, इसकी F, और इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल d वो कितनी दे रहा है, 2F, ठीक है। और पूछा क्या गया है, पूछा ऐसा d भी लिख देते हैं, d इक्वल्स टू आपको दे रखा है 2F, तो कितने डाटा मिल गए, 1, 2 और 3, तीन डाटा मिल गए अपन को, है ना। फिर ये बोला है प्रधान बिंदुओं की स्थितियां ज्ञात करो, किनकी प्रधान बिंदुओं की स्थितियां ज्ञात करो, ये न्यूमेरिकल हमारा, ठीक है। सो स्टूडेंट बात करें तो प्रधान बिंदु कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला प्रथम और द्वितीय फोकस बिंदु, दूसरा प्रथम और द्वितीय कौन से प्रिंसिपल पॉइंट, नोडल पॉइंट की अपन बात यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि इस न्यूमेरिकल में अपन को केवल और केवल जो वैल्यू ज्ञात करनी है वो अपन को 4 पॉइंट्स की ही बात करनी है, ठीक है। अब आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि सर आप नोडल पॉइंट क्यों ज्ञात नहीं करें, क्योंकि नोडल पॉइंट किसका पार्ट है, प्रधान बिंदुओं का पार्ट है ना, तो ऐसा क्यों आप 4 ही ज्ञात क्यों करें, हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि अपन को 4 ज्ञात करने हैं। अच्छा है क्योंकि कार्डिनल पॉइंट्स के तो आपने बोला था कि सर 6 होते हैं, जबकि आप फाइंड आउट कितने कर रहे हो, 4। तो आपको एक वीडियो में मैंने एक बात बोली थी कि यदि लेंस के दोनों तरफ समान क्या हो, अपवर्तनांक हो या समान माध्यम हो, तो उसके जो प्रिंसिपल पॉइंट और नोडल पॉइंट दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के संपाती हो जाते हैं, अर्थात प्रिंसिपल पॉइंट किस पे आ जाएगा, नोडल पॉइंट्स पे, है ना। तो दैट्स व्हाई अपन को नोडल पॉइंट ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरफ भी क्या है डियर स्टूडेंट, एयर,
और इस तरफ भी क्या है एयर, तो लेंस के दोनों तरफ क्या है समान माध्यम है, समान माध्यम है तो जो P1 N1 एक निकाला था हमने, यदि आप वीडियो देख रहे हो तो, बराबर P2 N2 बराबर क्या किया था 0। दैट मीन्स जहाँ पे P1 है वहीं पे डियर स्टूडेंट क्या बन जाएगा N1, जहाँ पे P2 है उधर ही क्या बन जाएगा N2। तो बात होगी ना, तो जो प्रधान जो सॉरी प्रिंसिपल पॉइंट होंगे वही क्या कहलाएंगे नोडल पॉइंट। दैट्स वाई यहाँ पे अपन केवल और केवल 4 पॉइंट्स को ही क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना रहेगा P1, ठीक है, फिर अपन को क्या निकालना रहेगा P2, ठीक है डियर स्टूडेंट, फिर अपन निकालेंगे F1 और फिर अपन निकालेंगे F2। पता चल गया होगा आपको कि अपन N1 N2 क्यों नहीं निकाल रहे, पहली बात। दूसरी बात स्टूडेंट, आप यदि नोट्स बना रहे हो तो मैं इनके सीधे फॉर्मूले लिखा रहा हूँ, ठीक है, आपको कभी भी प्रधान बिंदुओं की स्थितियां ज्ञात करने को पूछे तो आप सीधे फॉर्मूले अप्लाई कीजिए, आपको क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। तो P1 के लिए मतलब प्रथम प्रिंसिपल पॉइंट के लिए या प्रथम जो मुख्य पॉइंट है उसका फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट DF अपॉन F2, ठीक है, और जो सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट होता है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट -DF अपॉन F1। अभी मैं आपको डी भी बताऊंगा, एफ भी बताऊंगा, F1 F2 आपको पता है, ठीक है। F1 का फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट F1 -D अपॉन F2, डी अपॉन कितना F2, और इसके आगे क्या लगेगा माइनस, इसके आगे क्या लगेगा माइनस, और F2 का फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट F1 -D अपॉन F1, ठीक है। ये इनके क्या होते हैं फॉर्मूले, ये फिक्स है डियर स्टूडेंट, आपको इनमें मतलब कोई भी कंफ्यूज नहीं होना कि भाई इसका फॉर्मूला आप इसको ऐसे निकाल सकते हो। हाँ, आपको यदि डेराइव करना है तो इसका एक लंबा सा डेरिवेशन है, वो अपन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, इतना अपन लेंथी नहीं जाएंगे, ठीक है। अब आपके मन में यह डाउट आ सकता है कि सर एफ क्या है, डी तो चलो पता चल गया दोनों लेंसों के बीच की दूरी, F2 भी पता चल गया द्वितीय फोकस, F2 मतलब दूसरे लेंस की फोकस दूरी है ना, तो यहाँ पे F क्या है, F है डियर स्टूडेंट तुल्य फोकस दूरी, वेयर F है दो लेंसों की तुल्य फोकस दूरी, और इसका फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2 माइनस D, क्या होता है F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2 माइनस कितना हो जाएगा डी, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये होता है इसके तुल्य फोकस दूरी का फॉर्मूला, ठीक है। अब अपन मैं आपको एक थोड़ा सा एक अच्छी बात बता दूं यहाँ पे, अच्छी इन सेंस कि आपको P1 P2 F1 F2 में एक माइनस की है ना, वो आपको कभी ऐसे रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है, आपको कभी समझ के आप क्या कर दोगे लिख दोगे। देखिए स्टूडेंट P1 कहाँ बनेगा, सिंपल सी बात है, P1 किस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा, ठीक है P1, ठीक है, और P2 भी कहाँ बनेगा, इस तरफ ही बनेगा, आपको पता हो तो हमने ऐसे बनाया था ना H1 H2 P1 P2। सो डियर स्टूडेंट P1 जब अपन मापेंगे तो प्रकाश की दिशा में मापेंगे, तो P1 पे तो क्या नहीं आया, नेगेटिव नहीं आया, P2 पे क्या आया, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि P2 कहाँ से मापेंगे L2 से, L2 से किस तरफ जाएंगे प्रकाश के विपरीत दिशा में, तो अपन को क्या लेना पड़ेगा माइनस। इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट F1 और अपन बात करते हैं F2 की, तो स्टूडेंट F2 हमेशा ही कैसे मापा जाएगा, इस तरफ मापा जाएगा, तो ये तो कौन सी दूरी होगी, प्रकाश की दिशा में, तो देख लो मैंने F2 पे माइनस नहीं लगाया, F1 पे क्या लगाया माइनस, क्यों, क्योंकि ये किस दिशा में मापा जाएगा, प्रकाश के लाइट आने की इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में। आई होप स्टूडेंट ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी, ये बहुत फ़ायदा करेगी आपको, माइनस प्लस में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सो स्टूडेंट अब अपन को एक इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन को सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड रहेगा, तुल्य फोकस दूरी, ठीक है। अब तुल्य फोकस दूरी के लिए अपन फॉर्मूला है तो अपन निकाल लेते हैं तुल्य फोकस दूरी कैसे निकालें, F1 F2, तो 3F मल्टीप्लाई F ही है ना, देख लेना, ठीक है, F अपॉन F1 प्लस F2 देन 3F प्लस F माइनस D, माइनस D कितना है डियर स्टूडेंट 2F, तो वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी 3F स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 4F माइनस 2F मतलब 2F, F से F कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 3F अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट रिजल्टेंट फोकस दूरी, तुल्य फोकस दूरी, F की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू है, F2 की वैल्यू है, वैल्यू रखते हैं और आंसर निकालते हैं ना। सो स्टूडेंट D की वैल्यू कितनी 2F, D की वैल्यू कितनी 2F मल्टीप्लाई F 3/2 F
एफ, और एफ टू की वैल्यू कितनी डियर स्टूडेंट, एफ टू की वैल्यू है यहाँ पे एफ। तो देखो किससे को कैंसिल हो रहा है, दो से दो कट गया, एफ से एफ कट गया, तो आपके पास पी वन की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री एफ। ये लीजिए डियर स्टूडेंट, आपका एक आंसर तो आ गया, एक आंसर तो हमारा आ गया, ठीक है। अब अपन क्या निकालेंगे डियर स्टूडेंट, अब अपन निकालेंगे किसको, पी टू को, और पी टू की वैल्यू कितनी आएगी, पी टू के आगे पहले अपन को क्या लगाना है, माइनस, कोई भी वैल्यू आए उसके आगे अपन को क्या लगाना पड़ेगा, पहले माइनस। डी की वैल्यू कितनी, डी की वैल्यू टू एफ, एफ की वैल्यू तीन बटे दो एफ, और एफ टू की वैल्यू कितनी है, एफ वन की वैल्यू कितनी है, थ्री एफ, एफ वन की वैल्यू थ्री एफ। देखो तीन से तीन कट गया, दो से दो कट गया, एफ से एफ कट गया, मतलब किसके बराबर आ गया, एफ के बराबर, किसके बराबर, एफ के बराबर, किसकी वैल्यू, पी टू की। देखिए कितना सिंपल है, ठीक है। फर्दर स्टूडेंट, अब अपन बात करते हैं किस पे, एफ वन और एफ टू पे। एफ वन और एफ टू मैं इधर निकाल देता हूँ ताकि आपका मिसमैच ना हो, ताकि आप नोट्स आसानी से अच्छे से बना सको, ठीक है। एफ वन के लिए तुल्य फोकस दूरी कितनी है, तीन बटे दो एफ, बाहर लिख दो, तीन बटे दो एफ बाहर लिख दो। वन माइनस डी, डी की वैल्यू कितनी डी स्टूडेंट, टू एफ, है ना, तो टू एफ यहाँ पे लिख देते हैं। फर्दर अपॉन एफ टू, एफ टू का मान कितना है, एफ, तो यहाँ पे कितना आ गया, एफ, तो एफ से एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एफ वन के आगे माइनस, आपने बोला था ऐसा लगाया नहीं था ना, लगा दिया, ठीक है। और एफ से एफ गया तो एक में से दो गए, माइनस एक, माइनस माइनस प्लस, तो एक किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा तीन बटे दो एफ के बराबर। तो ये वैल्यू आ गई एफ वन की, और एफ टू की वैल्यू कितनी होगी, एफ टू की वैल्यू होगी डी स्टूडेंट एफ, एफ मतलब तीन बटे दो एफ, तीन बटे दो एफ अपॉन वन माइनस डी की वैल्यू कितना, टू एफ, ठीक है। और एफ वन की वैल्यू कितनी, थ्री एफ, एफ वन की वैल्यू कितनी, थ्री एफ, एफ से एफ कैंसिल आउट, थ्री एफ, है ना, हाँ ठीक है। तीन में से दो गए तो एक, तो ये कितना बचेगा डियर स्टूडेंट, ये बचेगा एक बटा तीन, और तीन बटे दो एफ मल्टीप्लाई एक बटे तीन, तो तीन से तीन क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, एफ बाई टू के बराबर। ये लीजिए डियर स्टूडेंट, आपके चारों कार्डिनल पॉइंट्स की क्या आ गई, वैल्यू, पहली बात। दूसरी बात स्टूडेंट, अब अपन इन वैल्यू को क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है, कि मतलब ये बनेंगे कहाँ पे, है ना, इनको समझेंगे। सो स्टूडेंट, सबसे पहले अपन P1 P2 की बात करें, तो डियर स्टूडेंट ये जानते हो कि ये इन दोनों लेंसों के बीच में ही बनने, कहीं नहीं जाने, है ना। तो मतलब जो P1 P2 की वैल्यू है आप वैल्यू के आधार पे बता सकते हो, जिनमें नेगेटिव आई तो वो किस दिशा में हो जाएगा, नेगेटिव का मतलब प्रकाश की विपरीत दिशा में, तो दाईं तरफ, पॉजिटिव आ रहा है तो कौन सा हो जाएगा, बाईं तरफ। ये बस अपन को क्या करना रहता है, लिखना रहता है। सो स्टूडेंट, ये था एक न्यूमेरिकल जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। यहाँ पे बस एक चीज़ और बताने लायक है, वो है तुल्य फोकस दूरी, कि सर रिजल्टेंट फोकस दूरी क्या होती है। देखिए स्टूडेंट, जब अपन कभी भी दो लेंस का निकाय बनाते हैं, ठीक है, तो तुल्य फोकस दूरी का मतलब है कि दोनों को हटा दो, उनके बीच एक ऐसा लेंस रख दो जो उन दोनों लेंसों की फोकस दूरी, मतलब उन दोनों लेंसों का ही क्या करेगा, काम करेगा, मतलब उसकी जो फोकस दूरी होगी ना, वो इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट जो इमेज बन रही है, ठीक है, उसकी फोकस दूरी के क्या होगी, बराबर होगी। दैट मीन्स चाहे आप उन दोनों को लेंसों को हटा दो, उसकी जगह एक दूसरा लेंस रख दो, ठीक है, उसकी फोकस दूरी यदि तुल्य फोकस दूरी के बराबर है तो आपको वही रिजल्ट देगी जो आपको क्या दे रही है, ये दोनों लेंस मिलकर दे रहे हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट, ये कुछ क्या थी, बातें थी, ठीक है। अब अपन डिस्कस करें तो भाई P1 की वैल्यू 3F आएगी, 3F का मतलब इनके बीच की दूरी कितनी है, 2F, बीच की दूरी 2F, तो 3F किधर आएगा डियर स्टूडेंट, इस तरफ ही आएगा, है ना, तो P1 कहाँ पे आएगा, लगभग यहाँ पे, बस ये बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, ये आ गया 3F, बस इससे इसमें F जोड़ दो, P2 कितना आया, P2 आएगा F, P2 F आएगा तो F इसमें से देख लो, ये 2F है, P2 कहाँ पे आता है, बीच में आता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, P2, बना नहीं रहा क्योंकि ये थोड़ा सा आपको फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप, ये कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे, ऐसे यदि अपन बनाना चाहिए, एफ वन किस तरफ आता है, उस तरफ आता है, कितनी वैल्यू आई, 3/2F, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, और इसी प्रकार से अपन क्या लिख सकते हैं, एफ टू लिख सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया होगा, एग्जाम में आपको टाइम मिले तो डायग्राम बना देना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट हाँ, बस ये फॉर्मूले जरूर याद रखना, मैं चाहता तो इसका डेरिवेशन करवा सकता था, बट ये बहुत लेंथी हो जाएगा, अपन को डेरिवेशन से मतलब नहीं है, अपन को फॉर्मूला से मतलब है, क्योंकि अपन को ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने है ना, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको बस ये फॉर्मूला क्या रहेगा, रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। फिर भी आपको ये समझना है कैसे हुआ, तो कभी ऑफलाइन क्लास होगी तो उस टाइम अपन डेरिवेशन भी कर लेंगे, ठीक है। तो
तो पी वन डी एफ अपॉन एफ टू हिंट क्या हो सकता है, हिंट ये हो सकता है कि सर एफ जब आपने पी वन लिखा तो एफ टू लिखा, पी टू लिखा तो एफ वन लिखा, जब आपने एफ वन लिखा तो एफ टू लिखा, एफ टू लिखा तो एफ वन लिखा। ये छोटे छोटे क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं जिनसे आप फॉर्मूले को ईजिली क्या कर पाते हो, कनेक्ट कर पाते हो। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।